की कितनी ज्यादा गर्मी है आज बाहर। ये जो जम्मू में रहते हैं उनको आइडिया होगा कि कितनी जबरदस्त गर्मी है जम्मू में। अब ये सबर नहीं है तो क्या है? अपना आप मैंने खत्म कर दिया, टोटली जीरो पे अपना आप बर्बाद कर दिया है मैंने। मैं क्या बताऊं, हाँ जी मैं रजौरी आई हूँ, मैं शाहदरा शरीफ आई हूँ 2-3 बार। अब पिछली बार तो मैं अकेली आई थी, जब ईद थी ना, छोटी ईद थी, छोटी ईद पे मैं आई थी। मतलब ईद मैंने उधमपुर में की थी बहन के घर में, तो फिर उसके बाद में दूसरे दिन शाहदरा शरीफ आई थी। ऐसे पहले मैं कोई कश्मीरी थे या श्रीनगर के, वो यहाँ रहते थे, उनके साथ आई थी मैं 2 बार, तो एक बार मैं अकेली आई थी। हाँ रजौरी में उधर रुकी थी, जो उस साइड है ना, पुल पार करके जाते हैं जहाँ पे शाहदरा शरीफ वाले रोड पे, वहां पे जो होटल है वहां पे मैं नाइट को रुकी थी। हाँ देख रहे हो मेरे हाथों की कंडीशन, देख रहे हो? आप लोग कहते हो दीदी सब्र रखो, ये देख रहे हो? ये सब्र नहीं तो और क्या है? ये देखो अंगूठी की हालत। ये सब्र नहीं है तो ये क्या है? ये सब्र ही तो है, अब मैं कैसे सब्र करूं मुझे बताओ ना। हाँ मुझे पता है मीडिया देख के कोई लोग आ जाते हैं लोग, मगर तब भी यार काम चलता है। अचानक से ऐसे काम बंद होना, इतना मुश्किल होना, मुझे मेरी समझ से बाहर है। लोग निकल ही नहीं रहे बाहर, इतनी ज्यादा शरीर वाली गर्मी है। मैं पूरे दिन वहां पे बैठी रही हूँ। आज मैंने एक मौसमी का पीस नहीं छिला, क्योंकि सारी मौसमी वैसे ही पड़ी हुई है। जो मैंने कल छिली थी वो वैसे की वैसी ही पड़ी हुई है। आप फिर मुझे बताओ मैं और क्या ही वहां पे कर सकती हूँ? और कुछ आप, मेरा जोर है यार, जितना कितना व्लॉग बन पाता मैं डाल देती हूँ, ठीक है? आपको अपडेट दे देती हूँ कैसे क्या है। मैं फिलहाल इतना ही कर सकती हूँ फिलहाल। देखिए दो दो काम चलाने बहुत मुश्किल है, फिर एडिटिंग करनी है, फिर अपलोड करनी है, फिर इसके काफी सारे सेटिंग करने होते हैं, फिर थंबनेल बनाना होता है, फिर टाइटल टैग्स, ये वो कितना कुछ होता है, करना पड़ता है। लेकिन बात ऐसी है ना कि जितना कितना मेरी रियलिटी मैं दिखा रही हूँ, इसमें कोई फेकनेस नहीं है, कोई फेक चीज उठा के आपको नहीं देख रही, जो हूँ वो सब आपके सामने हूँ। आपने देखा मैं कोई वीआईपी लड़की नहीं हूँ, कोई वीआईपी पहनावा नहीं है, कोई मेकअप करके नहीं निकलती हूँ, कोई मेरी ऐसी कोई ड्रेसिंग स्टाइल नहीं है। जो है सो आपके सामने है, मैं फेक नहीं हूं, मैं फेक नहीं बन सकती, मुझे फेकने से बहुत डर लगता है, इसीलिए डरती हूँ। मैं काम तो सुबह बंद कर देती। वो जो उबास भैया और यहाँ रहते थे वो मुझे कह रहे तू आ जा ये गर्मियों में, इधर ही आ जा हमारे पास। पत्नीटॉप से भी नसीमा दीदी कह रही है कि आप आ जाओ मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं आपकी बहन हूँ, जो भी चाहिए मैं दे दूंगी। लेकिन मैं इस फेकनेस की वजह से डरती हूँ, अगर मैंने काम बंद कर दिया लोगों ने बोलना है ये लड़की झूठी है। तो मैं ऐसा पहले बहुत कुछ सुना है मैंने यार, ये कोई मेरे लिए कम बात है कि भैया माँ नहीं बन सकी इसको छोड़ दो, माँ नहीं बन सकी इसको ये करो, माँ नहीं बन सकी इसको ये करो, ये क्या आपको कम लगता है? मेरे लिए ये कोई कम चीज है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। मैं उस चीज को सह के चल रही हूँ आगे, अब फिर भी मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही हैं, क्या करूं? मैंने लिंक तो कॉपी किया था यार, अब वो कहाँ से देना मुझे नहीं पता। लिंक कॉपी किया था मैंने, यहाँ पे ऐड गेस्ट बता रहा है, ऐड गेस्ट वो कैसे होंगे? वो उधर पेज में ले रहा है, इधर कैसे होगा वो? हेलो मैं सुबह नमाज के लिए उठती हूँ,
4-5 बजे नमाज के लिए उठ के नमाज